हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं फ्रेंड्स कि आपका एनटीपीसी के अंदर ज्वाइनिंग कैसे होने वाला है। और मान लो यार, पहला पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर आपका कुछ भी रहता है, चाहे आप स्टेशन मास्टर के पद को रखते हो या फिर गुड्स गार्ड या ट्रैफिक असिस्टेंट या ट्रेन क्लर्क या फिर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, किसी भी पोस्ट को आप रखते हो, यदि आप पहले पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर फेल हो जाते हो तो आपको दूसरा पोस्ट कैसे मिल सकता है, इसके विषय में भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के ऊपर ये एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें पैरा नंबर 4 के अंदर आपको देखिए क्या बताया गया है। यहाँ पे आपको बताया गया है फ्रेंड्स कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑप्टेड बाय देम। यहाँ पे आपको बताया गया कि भाई आप वही पोस्ट प्रेफरेंस रखें जिसमें आप मेडिकली फिट हो। तो उस समय फ्रेंड्स, आज से 3 साल पहले फॉर्म फिलअप हुआ है और उस समय व्यक्ति जो है वो अपने पोस्ट प्रेफरेंस मेडिकल के आधार पर ही पोस्ट प्रेफरेंस भरा होगा, ठीक है। और नहीं भी भरा होगा तब भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बाद में देखिए क्या लिखा है कि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कैंडिडेट टू पास द प्रिस्क्राइब मेडिकल फिटनेस फॉर द ऑप्टेड पोस्ट, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड सुटेबल फॉर द एम्पलॉयमेंट फॉर द पोस्ट एंड नो अल्टरनेट अपॉइंटमेंट विल बी प्रोवाइडेड। यहाँ पे आपको बताया कि भाई आप जो भी पोस्ट वहाँ पे प्रेफरेंस के अंदर रखते हो और उनमें से किसी भी पोस्ट के अंदर आप मेडिकली फिट नहीं होते हो तो ऐसी स्थिति में आपको कोई दूसरा पोस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जितने भी पोस्ट प्रेफरेंस भरे हो और उनमें से किसी भी पोस्ट के अंदर आप मेडिकली फिट हो जाते हो तो ऐसी स्थिति में वो पोस्ट आपको दे दिया जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि उसका आप कट ऑफ क्लियर करके आए हों, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया कि अगर मान लो आप पहले पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर कुछ भी रखते हो और यदि उसके मेडिकली आप अनफिट हो जाते हो तो आपको दूसरा पोस्ट मिलेगा, 100% मिलेगा, बट आप दूसरे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, उसका कट ऑफ को आप क्लियर किए हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कि ज्वाइनिंग फ्रेंड्स आपका कैसे होने वाला है और कब तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आपने CBT 2 का एग्ज़ाम दिया है, साइको डेट भी आपका आ गया है और इसके बाद आपका टाइपिंग भी होगा। कुछ ऐसे छात्र होंगे जो कि टाइपिंग भी क्वालिफाई करेंगे और साइको भी क्वालिफाई करेंगे, जबकि कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे फ्रेंड्स जो कि केवल टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे और केवल आपका साइको क्वालिफाई करेंगे। तो देखिए कितना सारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स, एक फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा उनके पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर और उनके मेडिकल के आधार पर। देखिए यहाँ पर आपका टाइपिंग और साइको हो जाने के बाद फ्रेंड्स, फाइनली आपका होने वाला है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। ये दोनों साथ साथ होगा और मेडिकल हो जाने के बाद उनका मेडिकल चेक किया जाएगा कि भाई कोई मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर आ रहे हैं, कोई A2 के अंदर आएगा, कोई A3 के अंदर आएगा। तो जिस भी मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर वो आ रहे होंगे, उनके बाद उसके पोस्ट प्रेफरेंस को देखा जाएगा कि भाई उनका पोस्ट प्रेफरेंस जो है उनके मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार से मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। मिल रहा है उसके बाद उनके कट ऑफ को देखा जाएगा, उनके मार्क्स को देखा जाएगा कि जिस मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर वो आ रहे हैं उनका कट ऑफ वो क्लियर किए हैं या नहीं किए। तो इतना करने के बाद फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा, फाइनल पैनल लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि इतना प्रोसेस हो जाने के बाद पैनल लिस्ट तैयार किया जाएगा और एक बार यदि आपका पैनल लिस्ट में नाम आ गया मतलब कि आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। पैनल लिस्ट में नाम आ जाने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाने वाला है। उसके बाद आपको डिवीज़न अलॉट किया जाता है और जिस भी डिवीज़न के अंदर आपको अलॉटमेंट होता है फ्रेंड्स, उस डिवीज़न से आपको जो है वो आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है और वही डिवीज़न में जा करके आपको ज्वाइन करना होता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये सारे बातें आपको समझ में आई होंगी। पहला तो आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद यहाँ से आपका मेडिकल के अंदर जिस भी मेडिकल स्टैंडर्ड को आप क्वालिफाई करेंगे उस मेडिकल स्टैंडर्ड का आपको पोस्ट मिलेगा, बशर्ते उस पोस्ट का कट ऑफ आप क्लियर करके आए हों। उसके बाद पैनल लिस्ट तैयार किया जाएगा और पैनल लिस्ट तैयार करने के बाद आपको डिवीज़न अलॉट किया जाएगा और उसी डिवीज़न से आपका जो है वो ज्वाइनिंग लेटर आएगा और फाइनली आप फिर ज्वाइनिंग कर पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में अप्रोक्स आपका फाइनल ज्वाइनिंग जो है वो फरवरी के आसपास हो जाने की संभावना बन रही है। वहीं ये मेडिकल और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो मुश्किल से मुश्किल दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई हो और टाइपिंग भी आप शुरू कर दें। ऑब्वियस सी बात है अभी तो आपका साइको होने ही वाला है। और फ्रेंड्स, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।